एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो जो आग बुझाने के लिए काम आता है। यहाँ पे फाइव क्लासेस ऑफ फायर है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। ए क्लास यानि सॉलिड फायर, यानि जनरल फायर, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कागज को लगी हुई आग, इन सब को अगर आग लगती है तो ए क्लास में गिनती होती है। कहाँ पे गिनती होती है? ए क्लास में गिनती होती है। ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हमको इस्तेमाल करना है। ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे जो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें जो ए बी सी है लिखा हुआ है वो हमको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना होता है ए क्लास की आग बुझाने के लिए। तो हम लोग ए क्लास की आग बुझाने के लिए ए बी सी का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर, बी क्लास फायर यानी लिक्विड फायर, समझ गए? लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, इन सब को आग लगती है तो अब हमको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना होता है। वो ए बी सी का फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम, और बी सी का फायर एक्सटिंग्विशर है जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें, उसका इस्तेमाल हम लोग करके हम आग बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी क्लासेस ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस फायर। कौन सा फायर? गैस फायर। गैस फायर की अगर आग लगती है, गैस फायर, देखो आपने गैस का पाइप आपने देखा रहेगा हमारे मॉल में, यहाँ पे सब जगह पे जो पीला कलर का पाइप है वो गैस पाइप है, वहाँ से अगर लीकेज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? मेन सप्लाई बंद करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर का, ABC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? आग बुझाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डी क्लास, डी क्लास यानि मेटल फायर, मेटल फायर यानि धातु को लगी हुई आग, उनकी आग लगती है तो हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? ड्राई केमिकल पाउडर, समझ गए? ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे और आग बुझाएंगे। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, कौन सा फायर है? इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर हम लोग अगर आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट सर्किट होता है जब दो केबल जो जलते हैं गर्म होते हैं, समझ गए? ओवर लोड होता है तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट सप्लाई में करना है, हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, समझ गए? तभी हमको किसी का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके पानी का इस्तेमाल। देखो हम लोग पानी जब हम लोग नहा के धोके आते हैं, हाथ हमारा गीला होता है, तभी भी हम कौन से सप्लाई को हाथ लगा के होता है, करंट लगता है, तो पानी का अपोजिट पार्टी, समझ लो। तो कभी हम लोग पानी से भी हम लोगों को होता सप्लाई के अंदर बटन को भी हम अगर हमको टच कर दे तो भी हमको सप्लाई लगता है। तो इसके लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक का आग लगती है तब हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हमको जानना है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए मास का मेथड, वो सब मेथड है मास का मेथड यानी PAAA। मतलब पुल द सेफ्टी पिन, क्या करना है ये ध्यान में रखो। अभी आप लोग क्या टाइम ऐसे हुआ था, हम लोग ने क्या किया था, लीवर पहले दबाया था और खींच रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? पुल द सेफ्टी पिन, हमेशा ध्यान में रखो, पुल द सेफ्टी पिन के टाइम हमको लीवर को दबाना नहीं। लीवर को दबाएंगे तो क्या होगा? जाम होगा पिन तुम्हारी, तो पिन को हमको पहले सील तोड़ना है। अभी देखो यहाँ पे जो सील है फायर एक्सटिंग्विशर को, वो सील को हमको तोड़ना है और
फिर बाद में पुल द सेफ्टी पिन, ये है मेरे को पुल द सेफ्टी पिन करना है। सेफ्टी पिन निकालते समय लीवर को दबाना है, ठीक है। उसके बाद में ए, ए फॉर एम द, बोलो एम द, एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहाँ पे आग लगे उसके बेस को आपको क्या करना है, निशाना लगाना, फायर नहीं करना, निशाना, एम यानी निशाना, क्या है एम का मतलब, निशाना लगाना जहाँ पे आग लगे, बेस का मतलब एम द बेस ऑफ फायर, बेस का मतलब यानी बेस, यानी नीचे की तरह जहाँ से आग लगी है, मतलब जिसको आग लगी है उसके बेस को हमको क्या करना है, निशाना लगाना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एस, एस फॉर स्विच द लीवर, क्या करेंगे स्विच द लीवर, उसके पहले आपको लीवर को हाथ लगाना है, लीवर को अगर हाथ लगाएंगे तो नीचे जैसे हाथ लगाएंगे मतलब, अगर हम उसको ऊपर से हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दबा दबा दब दब जाएगा और फिर हम लोग वो ये निकल पाएंगे, ठीक है। तो पहले ही क्योंकि हमने क्या निकाला होता है, बोलर सेफ्टी पिन निकाला होता है, हम लोग एम करने से पहले ही अगर लीवर दबा दिया तो क्या होगा, हमारी जो होस पाइप है फायर एक्सटिंग्विशर वो क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा तो नीचे ही पाउडर जाएगी, निशाना नहीं लगेगा। निशाना लगने के बाद फिर बाद में स्विच क्या करना है, लीवर को दबाना है, क्योंकि अगर हम जब लीवर को दबाएंगे तब हमारा निशाना सही तरीके से क्या होना चाहिए, सही तरीके से मतलब, एस का मतलब स्विच डिलीवर हुआ स्वीप, एस का मतलब स्वीप, होस पाइप साइड बाय साइड, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। अभी हमको जानना है कि आग किन वजह से लगती है, किन चीजों से लगती है, कौन से जो चीज है वो एक साथ आते हैं तो आग लगती है, बता सकते हैं कोई आप, हा? तीन चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है, कौन से वो तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन और वर्तमान की तापमान, तापमान यानी हीट, ऑक्सीजन यानी हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन हवा में है, ऑक्सीजन और हीट, ऑक्सीजन और निर्माण होगी, उसके लिए निर्माण होने के लिए क्या लगेगा, ऑक्सीजन होता है, वैसे वो ऑक्सीजन है, समझ गए, हो गया ऑक्सीजन हो गया और फ्यूल लगेगी किसको, फ्यूल क्या हो, अभी इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, फ्यूल सप्लाई, बराबर सप्लाई मेन सप्लाई है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक की वायर है वो हो गया फ्यूल, और फ्यूल को हटाना है, फ्यूल को हटाना है तब हमको, हमको क्या बोलना है, स्टार्वेशन करना है, फ्यूल को हटाने के लिए स्टार्वेशन किया जाता है, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाना है, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तो क्या होता है, आग लगती है, बराबर हीट ऑक्सीजन और फ्यूल, और हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट को हटाने के लिए ऑक्सीजन नहीं कट करते हम लोग, हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, फ्यूल को कैसे हटाएंगे, हीट ऑक्सीजन ये फ्यूल ये तीन चीजें हैं, मेरे को तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें मुझे एक को हटाना है, यानी हीट को हटाना है, हीट को हटाने के लिए मैं कूलिंग करूंगा, पानी डालूंगा, साधारण आग लगती है तो हमको हीट को हटाना होता है, तब हम पानी डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठंडा, हीट यानी गर्मी, और गर्मी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग करके पानी डाल के सब उसको ठंडा करेंगे। फिर बाद में आ गया ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हटाना है अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर क्या हटाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके क्या हटाते हैं, ऑक्सीजन कट करते हैं, यानी हटाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना, क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा,
हटाना मतलब स्टार विशन, समझ गए? स्टार विशन मतलब हटाना, यानी अभी लकड़े को आग लगे बराबर है, यहाँ पे भी आग लगे तो यहाँ पे भी हवा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग इस साइड को बाजू करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल को हटाना, फ्यूल है सामग्री है, तो क्या बोलते हैं उसको? स्टार विशन करना, समझ गए? फ्यूल को हटाना मतलब कोई भी चीज यानी फ्यूल जो है उसको अगर हम हटाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? स्टार विशन। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है सप्लाई बंद करेंगे, ऑक्सीजन अपना गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या बंद करेंगे? वॉल बंद करेंगे, उधर का वॉल जो होता है, जैसे अभी देखो आप वहाँ पे पीला पाइप है बराबर ऑक्सीजन इसका गैस का, तो उसमें एक वॉल है नीचे, अभी नीचे की तरफ ऐसा खड़ा रहेगा, नीचे की तरफ खड़ा रहेगा तो चालू, और उसको टेढ़ा करेंगे